गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम समीक्षा श्रीवास्तव। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फिर से हम लोग का जो सब्जेक्ट है इंग्लिश क्लास पीजी यानी प्ले ग्रुप। शी एंड राइट हम लोग को देखना है और क्या करना है, लिखना है। पीछे आप लोग आई थिंक ओ तक, ओ और पी तक आप लोगों ने सीख लिया है लिखना, ओ पी और क्यू। आज हम लोग इस चीज़ को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस में क्या करना है, कैसे ओ लिखना है, कैसे पी लिखना है, किस तरह से क्यू लिखना है, ठीक है। इसमें देखिए, मैं आप लोगों को बार बार बताती हूँ, इंग्लिश की जो कॉपी होती है वो कितने लाइन की होती है, 1 2 3 4 फोर लाइन की कॉपी होती है। बट हम लोग जो कैपिटल लेटर होता है अल्फ़ाबेट, वो हम लोग कितने लाइन में लिखते हैं, 3 लाइन में लिखते हैं, 1 2 3। इस चीज़ को आप लोग को बार बार याद करना है कि कॉपी जो होती है फोर लाइन की होती है। कैपिटल लेटर यानी कि जो बड़ा अक्षर, बड़ा ए बी सी डी जो कैपिटल लेटर होता है, उसको हम लोग को कितने लाइन में लिखना होता है, 1 2 3 3 लाइन में लिखना होता है। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस कैसे करते हैं, हम लोग सबसे पहले ओ लिखेंगे, ओ पी के लिए फिर इसी 3 लाइन में हम लोग टच करेंगे, पी और क्यू, क्यू, ओ ओ फोर ऑरेंज, पी फोर पैरोट एंड क्यू फोर क्वीन, क्यू फोर क्वीन, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग फिर क्या करेंगे, ओ एक बार प्रैक्टिस में लाएंगे, ओ पी 3 लाइन में, 1 2 3 लाइन में इसको टच करना है, पी और क्यू, क्या है ये, क्यू है। ओ ओ फॉर ऑरेंज, पी फॉर बॉय पैरट एंड क्यू फॉर क्वीन। इस चीज़ को आप लोगों को याद करना है, लिखना है। जितने बार आप लोग लिखिए, यहाँ तो मेरे 1 2 एंड 3 लाइन ही है, और लेकिन आपकी कॉपी में 4 5 6 होते हैं, तो उसमें आप लोग जितने टाइम्स लिखिए उसको बोल बोल करके लिखिए। बोल बोल करके लिखने से क्या होगा, एक तो आप जो बोलेंगे वो याद होगा, दूसरे जितने बार लिखेंगे आप लोगों की हैंड राइटिंग जो है वो और खूबसूरत बनेगी। ओके, थैंक यू।